फूड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लेजेंड्स के लिए इरफान पठान ने श्रीलंका लेजेंड्स के खिलाफ मुकाबले में 31 गेंदों पर 57 रनों की आतिशी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। अपनी पारी में इरफान ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने मैच में जिस तरह से परफॉर्म किया उसने क्रिकेट फैंस को पुराने दिन याद दिला दिए। बता दें कि उनके परफॉर्मेंस से फैन इतने प्रभावित हुए कि ट्विटर पर बीसीसीआई को टैग कर सवाल करते हुए नजर आने लगे। एक फैन ने बीसीसीआई से पूछा, क्या हम इरफान से भारतीय टीम में वापसी के लिए नहीं कह सकते, जैसा कि एबी डिविलियर्स के लिए उनके क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं। इस सवाल पर इरफान ने अपना रिएक्शन दिया और इसी ट्वीट में कमेंट करते हुए लिखा, काफी देर हो गई है। गौरतलब है कि इरफान पठान ने इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। वहीं अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 29 मुकाबले खेलते हुए 100 विकेट चटकाए। इसके अलावा वनडे में 120 मैच खेलकर 173 विकेट लेने वाले इरफान पठान के नाम 1544 रन भी दर्ज हैं। तो वहीं T20 इंटरनेशनल में इरफान ने 24 मुकाबले खेले जहां पठान ने 28 विकेट झटके। गौरतलब है कि देश भर में जारी कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। वहीं इरफान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस COVID-19 के कारण रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेलना काफी यादगार रहा। इरफान पठान ने फैंस और अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों का भी शुक्रिया कहा। कोरोना का असर अब क्रिकेट में भी दिखाई देने लगा है। आपको बताएं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में होने वाले आखिरी दोनों वनडे मैच में कोरोना वायरस के खौफ के कारण खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे ये मुकाबले। ऐसा माना जा रहा है कि IPL 2020 के मैच भी खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो ये IPL गवर्निंग काउंसिल 14 मार्च को बैठक करने वाली, जिसमें सभी फ्रेंचाइजी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।